हेलो दोस्तों, मैं हूँ रागिनी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है रागिनी किचन डायरी। तो हर बार की तरह आज मैं आपके लिए एक अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तरबूज के छिलकों से बना क्रिस्पी और टेस्टी डोसा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगता है। तरबूज के छिलकों के डोसे बनाने के लिए हमें एक कप तरबूज के छिलके, आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, एक टेबलस्पून बेसन। तो सबसे पहले हम इन छिलकों को मिक्सर के जार में डालेंगे पीसने के लिए। उसमें आधा कप सूजी भी, आधा कप चावल का आटा भी और एक टेबल स्पून बेसन। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर में बारीक पीस लिया है मैंने। इसका बैटर बनाने के लिए मुझे 1 से 1.5 कप पानी लगा है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप। अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही ढककर रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद बैटर अपना सेट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून साल्ट डालेंगे या फिर स्वादानुसार 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है, डोसा पैन। उसको तेल से ग्रीस भी कर लिया है। थोड़ा गर्म होने के बाद अब हम बैटर इस पे डालेंगे। बहुत ही इंस्टेंट और टेस्टी रेसिपी है, आप जरूर ट्राई कीजिए एक बार। पैन गर्म हो चुका है, अब हम बैटर फैलाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, हमारा डोसा बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ से इसे सेक लेंगे। टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी रेसिपी है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन बी6 जैसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी है, इसलिए टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, बहुत ही जालीदार और क्रिस्पी हुआ है डोसा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये तैयार हुआ अपना तरबूज के छिलकों से बना टेस्टी और क्रिस्पी डोसा। आप चाहे तो इसे कर्ड के साथ खा सकते हैं, या फिर मसाले वाला दही, या फिर नारियल की चटनी हो, या फिर टोमेटो सॉस हो, या फिर लहसुन का मसालेदार रायता। मैंने इसे रायते के साथ परोसा है, आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्ट आएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।